मैं दिला दूंगा तेरे को टेंशन मत ले। Mother's birthday, 85th birthday. She passed away on 3rd June this year. She was staying with us for 15 years. 15 saal se saath mein thi, and she wanted to go back to Kolkata, and she went there and she passed away there. Because Kolkata was her place, you know, where she started. But this house, this Gauri Kunj, Kishore Sahab ka bangla, meri maa aur pitaji dono milke is ghar ke zameen ko khareeda tha way back in 1957. So those are all old memories. आज हम आए हैं यहाँ पर with her blessings, my mother's blessings. It's a new beginning for me. I hope whatever I am going to talk, आप लोग समझ जाएंगे. I'm very excited because I've been associated with Mumbai Medley just now few weeks back, and I would like to do a lot of ideas. So I think I should sit down and begin our journey. Yes. Thank you. अभी सर आज के दिन की खास जैसे आपने बात बताई उसके बारे में थोड़ा सा और बता सकते हैं। आज मेरी माता जी का जन्मदिन है तो वो खास दिन है. वो यहाँ ही रहती थी मेरे साथ. द लास्ट ईयर्स शी स्पेंट विद मी हियर 15 ईयर्स. और इसी साल 3 जून को वो उनका देहांत हो गया. तो मैंने आज मतलब इट वाज अ वेरी शॉर्ट नोटिस इन द वे इन द सेंस आई स्पोक टू संजय फ्रॉम मुंबई मेडली के लेट्स डू समथिंग. और एक ख़ास बात यह है कि मेरी जो कंपनी है कुमार ब्रदर्स म्यूज़िक KBM जो कि आई लॉन्च्ड अबाउट 3-4-5 ईयर्स बैक, बट टुडे आई वांट टू रीलॉन्च इट इन अ वेरी व्हाट शुड आई से इन अ करेक्ट वे ऑन यूट्यूब चैनल. इट विल हैव एक अलग चैनल बनाएंगे और उसके हकदार मैं ही हूँ. इट्स माई कंपनी. और ये मैं इसीलिए कर रहा हूँ कि आई हैव अ पैशन फॉर कंपोजिंग, तो वो मेरे अंदर है वो. और मेरे काफ़ी कंपोजिशंस मेरे जो चैनल हैं अमित कुमार ऑफिशियल चैनल, इट्स देयर ऑलरेडी. बट दिस टाइम वी आर गोइंग टू हैव a separate channel for KBM which is going to be boom, it should hit the bullseye. And bahut sare ideas hain I would like to share in KBM Kumar Brothers Music. Under my music I would like the other great artists, all the reputed artists, aaj jo hamare singers agar wo bhi mere saath diye aur mere composition mein gaye to बहुत एक इट्स गोइंग टू बी फैंटास्टिक आई फील. क्योंकि आज ज़माना है, आज सिंगल्स का ज़माना है. ठीक है, सिंगल्स ही चलता है अभी तो. अब सीडीज़ का ज़माना चला गया, इट्स लाइक अ साइकिल यू नो. तो वो भी एक है रास्ता है जो मैंने सोच रखा है कि अमित कुमार के कॉम्पोजिशंस में अगर कोई बड़े सिंगर गाए वाई नॉट. आई एम नॉट अ बैड कंपोजर. तो यही खास बात है. तो KBM में हम नए लोगों को भी देखेंगे इसका ऑफ कोर्स दैट्स व्हाई आई एम डूइंग अ सेपरेट प्लेटफॉर्म. ऑफ कोर्स आई वांट न्यूकमर्स, टैलेंटेड आर्टिस्ट शुड कम एंड सिंग. ऑफ कोर्स डिपेंडिंग ऑन माय कंपोजिशंस इफ दे कैन रियली डू वंडर्स दे विल गेट अ चांस ऑन KBM. आज की जो सिंगर, आज की जो ऑडियंसेस हैं, उनकी चॉइस गाने को लेकर बहुत ज्यादा बदल गई है. तो जब हम बात करेंगे KBM की, तो किस तरीके का गाना आप कंपोज करेंगे या फिर आज की ऑडियंस है उनको दिमाग में रखते हुए गाना कंपोज किया जाएगा? 3 बेसिक एलिमेंट्स जो कि बहुत पौराणिक कहावत है कि देखिए, मेलोडी,
हारमोनी एंड द लिरिकल वैल्यू हैज टू कम बैक. केबीएम से हम तो उसी पे जोर देंगे. दैट इज व्हाट आई बिलीव बिकॉज आई एम फ्रॉम द ओल्ड स्कूल. मैं जिनके साथ मेरा सौभाग्य है, मैं जिन जिन संगीतकारों के साथ काम किया है सब अपने अपने जगह में मशहूर थे. लीव असाइड माई फादर, उनसे तो सब सीखा मैंने, लेकिन उसके बावजूद आर डी बर्मन, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, कल्याण जी आनंद जी, राजेश रोशन, यू नो, ये सब जितने भी थे उस जमाने के जिनके साथ मैं, शंकर जय किशन ऑल्सो, व्हेन आई वाज वेरी स्मॉल आई यूज्ड टू गो विद माय फादर, तो उनसे देख देख के मेरे अंदर जो एक बेसिक चीज़ जो मैंने सीखा है कि गो फॉर मेलोडी. और आई थैंक माई पेरेंट्स, माई माँ एंड माई फादर, हमेशा दोनों ने मुझे शुरू से दे मेड इट अ पॉइंट दैट के डोंट लीन ऑन ऑल द टाइम टूवर्ड्स बॉलीवुड और हॉलीवुड. थोड़ा सा अच्छा संगीत सीखने की कोशिश करो, सुनने की कोशिश करो, जैसे शास्त्रीय संगीत हुआ, वेस्टर्न क्लासिकल, जैज, अपना पॉप पॉप टाइप ऑफ, ये रॉक रॉक. तो ये मेरे अंदर, बिकॉज आई थैंक माई पेरेंट्स फॉर दैट एंड ऑफकोर्स माई एसोसिएशन विद ऑल द म्यूजिक डायरेक्टर्स. और मैं समझता हूँ कि देखिए आज के तारीख में जैसा चल रहा है फिल्मों में, ओके, दैट हैज़ अ प्लेस विच इज़ बीइंग एक्सेप्टेड. अच्छे गाने भी बन रहे हैं और दूसरे किस्म के गाने भी बन रहे हैं, तो दैट हैज़ टू चेंज आई फील. तो केबीएम विल ऑलवेज बी, क्या कहूँ मैं, अपना ढोल नहीं पीटना चाहता हूँ, एक स्टैंडर्ड मेंटेन करना ज़रूरी है. दैट आई विल ट्राई माई बेस्ट. मदन मोहन दिग्गज लोग रहे, तो इसीलिए प्लेटफॉर्म चुना गया. और क्या वीडियो भी बनेंगे, इसके एल्बम भी होंगे? जी बिल्कुल, वीडियो तो बनेंगे. आज तो वीडियो, आज तो गाना कोई ज़्यादा सुनते नहीं है, सब चेहरा देखना चाहते हैं. सॉन्ग विद, यू नो, हाँ, तो मैं तो हूँ ही. और जो जो सिंगर्स गाएंगे मेरे साथ, वेदर इट विल बी अ फीमेल और अ मेल, उन पर पिक्चराइज करेंगे हम. तो एक चलता रहेगा, एक यू नो, दिस इज मेनली फॉर माई पैशन आई एम डूइंग इट. एंड प्लस आई वॉन्ट केवीएम शुड कम. And why not in films also? If any film producer, director comes and approaches me or Mumbai Medley for KVM, I will certainly do it. But mera main uddeshya hai ke compositions shouldn't be corrupted. Jo ho jata hai. Abhi main thoda sa blunt kisam ka aadmi hu. I don't mind saying it because there are some recording companies jo ki main samajhta hu are very unmusical. They've got lots of money, लेकिन वो बिगाड़ रहे हैं हमारे जो एक स्टैंडर्ड है उसको सत्यानाश कर रहे हैं. सॉरी फॉर द वर्ड, आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट. तो दैट हैज टू बी रेक्टिफाइड. ओके, जैसे कि हम देखते आ रहे हैं काफी जो पुराने सॉन्ग्स हो चुके हैं, अब उनका रीमेक आ रहा है, हर कोई उनका रीमेक एक लाने की कोशिश कर रहा है, तो आपको क्या लगता है वो इस चीज को, लेवल को मैच कर पाएगा रीमेक जो है? दैट्स अ कमर्शियल, ये दे आर डूइंग इट फॉर द कमर्शियल पर्पस. और वो करना ही पड़ रहा है, देखिए उनको पुराने गाने लेना पड़ रहा है. वाई? बिकॉज द पुराने गाने में दम था, देर वॉज अ वेट. दे आर कमिंग बैक अगेन टू, दे हैव टू टेक दैट. मैं जब स्टेज शोज करता हूँ आज भी, तो मुझे अपने खुद के गाने गाने पड़ते हैं, जो कि डेफिनेटली थैंक गॉड दैट हैड, कुछ कुछ गाने थे जिसमें मेलोडीज वर देयर. एंड प्लस आई हैव टू सिंग माई फादर्स सॉन्ग्स विच आर फुल ऑफ मेलोडीज. तो दैट, तो वो चीज़ तो आई कैन नॉट इग्नोर, नो वन कैन इग्नोर. तो आज जो फिल्मों में हो रहा है, रिमिक्स हो रहा है, दे आर गोइंग बैक, दे आर टेकिंग वही गाने कर रहे हैं. जैसा कि फॉर इंस्टेंस मेरा गाना लैला ओ लैला हैज बीन डन, सो मेनी सॉन्ग्स, सो मेनी सॉन्ग्स. ओके, हाल ही में याद किया कि आने लगी का रिमिक्स हुआ है, तो क्या कहेंगे उसके बारे में, कैसा लगा आपको वो सॉन्ग? वो कौन सी पिक्चर का था, मैंने नहीं सुना. अच्छा अच्छा, मैंने सुना नहीं है. दैट्स अ वेरी फेमस सॉन्ग. अमित सर, क्या यही कोशिश है, इसी वजह से आपने ये इनिशिएटिव लिया, क्योंकि वो मेलोडी नहीं रही है कई गानों में, संगीत वो शोर ज्यादा हो गया है? ये देखिए,
यू पुटिंग वर्ड्स इन माई माउथ एनी वे. पॉइंट इज, पहली बात है रीमिक्स ऐसी चीज़ है ना जो कि मुझे आई कैन नॉट टेक इट. इवन मिस्टर आर डी वर्मन यूज टू इग्नोर रीमिक्स, बट ही वॉज द फर्स्ट पर्सन जिनके दिमाग में आया था. आज भी मुझे याद है उस वक्त उन्होंने कहा था, बिकॉज हिज थिंकिंग वॉज अहेड ऑफ टाइम. उन्होंने कहा था कि देखो अभी हम लोगों का जो टाइम है, वक्त थोड़ा हम लोग पीछे होते जा रहे हैं, एजिंग और द यंगर जनरेशन इज अप्रोचिंग. सो हमारे जो गाने हैं, हिट गाने, किशोरदा के हैं, रफ़ी साहब के हैं, लता भाई के हैं, मेरा भी है, सबका है, इट हैज़ टू बी डन इन अ प्रॉपर वे. ही वॉज द फर्स्ट पर्सन. आप याद कीजिए उस वक्त वो गाना था अपना चुरा लिया है, दैट वॉज फर्स्ट रिमिक्सड बाई आर डी वर्मन. आई थिंक द जेंटलमैन फ्रॉम इंग्लैंड, आई एम फॉरगेटिंग हिज नेम, he collaborated with Panchamda and they did that song. So he was the starter. तब हमको समझ में नहीं आया था, हम बोल रहे थे क्या बोल रहे पंचमदा. इवन आई आर्ग्यूड विद हिम, बोला नहीं नहीं ये नहीं चलेगा, ओरिजिनलिटी इज ओरिजिनलिटी. बोला नहीं तू नहीं समझता है, अल्टीमेटली इट्स गोइंग टू बी दैट. वही हो रहा है आज, वही हो रहा है वॉट ही थॉट ईयर्स अगो, दैट इज हैपनिंग. लेकिन मेरे हिसाब से थोड़ा क्रूड वे में हो रहा है. इट शुड बी मिठास लाना बहुत जरूरी, मिठास. दैट इज वाई KVM इज ऑन द फोर फ्रंट. KVM इज गोइंग टू गिव एज मच एज ऑफ मेलोडी ओरिएंटेड सॉन्ग्स, लिरिकल वैल्यू होने के, पोइट्री, पोइट्री हैज टू कम बैक. वी हैव ग्रेट पोइट्स टूडे, प्रसून जोशी इज देयर, जावेद अख्तर साहब इज देयर, समीर जी हैं, और भी है, सुधाकर शर्मा है, और मेरे घर में एक पोएट पोएटस बैठी हुई है, मिसेस किशोर कुमार लीना चंदावरकर गांगुली. शी इज अ फैंटास्टिक पोएट, शी इज राइटिंग ऑल माय सॉन्ग्स इन KVM, शी हैज रिटन. सो माय पॉइंट इज वी हैव टू गेट बैक द मेलोडी अगेन. अभी मैं मेरा एक गाना रिलीज हो रहा है ऑन 25th ऑफ डिसम्बर फ्रॉम KVM, वी आर रिलीजिंग. इट्स अ रोमांटिक सॉन्ग, माय इट्स माय म्यूजिक. It's already recorded. I've got 20 songs which is recorded. 20 गाने ready हैं. मुझे अभी सोचना है क्या करना है मुझे. मुझे I'm really thinking. All different kind of songs. Melody, philosophical भी है, देशभक्त एक दो गाने हैं, romantic तो है ही. तो ये जो गाना है ये 25 को release होने वाला है, इसमें it's going to be pictures on me obviously because I've sung that song. And it's been written by Sudhakar Sharma. तो ये ब्रीफ था, सॉरी टू कट यू सर. नो इट्स ओके. क्या ब्रीफ था जब लिखा गया गाना, क्योंकि रोमांटिक गाना है, कंपोजिशन आप खुद कर रहे हैं, क्या ब्रीफ था, कुछ डिस्कशन था आपका, क्योंकि आप खुद कमेंट कर रहे हैं. मेरे जितने गाने हैं ना, आप लोग जब सुनेंगे ना आपको लगेगा, मैं अगेन मैं अपने ढोल नहीं पीट रहा हूँ, आप जब सुनेंगे जो भी म्यूजिकली समझदार लोग हैं वो समझेंगे, अरे ये तो पिक्चर का गाना है. दिस इज अ सॉन्ग इन अ सिचुएशनल सॉन्ग. और अनफॉर्चुनेटली मैं आज से कुछ 20-25 साल पहले की बात कर रहा हूँ मैं, ये जो कंपोजिशन मैं करता था, आई हैव डन मेनी कंपोजिशंस इन द पास्ट. मेरा एक एल्बम निकला था मैड करके एंड ओ स्वीट हार्ट, वो सब चली नहीं, आया गया, लेकिन आप गाना सुनिए उसके, इट्स ब्यूटीफुल. वो टाइम था नहीं, और मैं उस वक्त एक रिकॉर्डिंग कंपनी के पास गया था मेरे खुद की कंपोजिशंस लेके, और मैंने उनको सुनाया था. उन्होंने कहा था दिस वोंट वर्क. तो वही कॉम्पोजिशंस आज KVM रिलीज कर रहा है, इट इज गोइंग टू वर्क. थैंक यू. माय एसोसिएशन विद द मंगेशकर सिस्टर्स इज बहुत पुरानी बात है. शी हैज सीन मी एज अ बेबी, बोथ द सिस्टर्स, एंड आई विश हर स्पीडी रिकवरी. मैंने ऑलरेडी एक इंटरव्यू दे चुका हूँ मैं इन स्पॉट बॉय अबाउट हर, इट्स ऑन, ये दो आई हैव नॉट बीन देयर एंड मेट हर बिकॉज आई डोंट वांट टू डिस्टर्ब हर. आई हैव संग अ लॉट ऑफ सॉन्ग्स विद हर, एंड माय एंड हर एसोसिएशन विद माय फादर वाज फ्रॉम द बिगिनिंग. When my father was struggling, both of them used to travel by train from Grant Road to Malad, Bombay Talkies. So those were the days, you know, which my father used to tell me, and even Lata ji, and I've heard a lot from Asha ji also. I wish a speedy recovery. There will never be another Lata Mangeshkar. That's all I can say. Thank you so much.
ठीक बोल रहा हमने कि अरे वो आ जाओ